दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके बाथरूम के इस नॉर्मल मिरर को एक स्टाइलिश मिरर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी फैंसी चीज इसमें आपको ज्यादा लगने नहीं वाली है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। और चुटकियों में आप आपके बाथरूम के इस मिरर को स्टाइलिश बना सकते हो, जिससे आपके बाथरूम का लुक ही एकदम स्टाइलिश हो जाएगा। मेरे बाथरूम में ये मिरर लगा हुआ था, लेकिन जब भी मैं उसके सामने जाता था तो मुझे लगता था कुछ तो मिसिंग है यार। इसके ऊपर की ये लाइट मुझे सफिशिएंट नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि इस मिरर के बॉर्डर पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से इसका पूरा रूप रंग बदल जाएगा। तो चलो अभी करते हैं हमारे बाथरूम के मिरर को। हाँ, ये कर लो पहले। और आप कर दो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ये कम्प्लीटली एक DIY प्रोसेस है, तो हो सकता है कि आपके मिरर की साइज मेरे मिरर से बड़ी हो या छोटी हो, या आपका मिरर राउंड शेप का हो, बट प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मिरर को वॉल से निकाल लेना है। ये बहुत ही केयरफुली आपको करना पड़ेगा। मिरर निकालने के बाद हमें एक सॉफ्ट बेस पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल है जिसके ऊपर कुशन है, उस पर इस मिरर को उल्टा रख दिया है। हमें मिरर की बैक साइड से काम है, फ्रंट साइड से नहीं। मिरर काफी हेवी होता है, तो ये सारी प्रोसेस आपको बड़े ही केयरफुली करनी है। मेरा मिरर बहुत ही सिंपल रेक्टेंगुलर शेप मिरर है। अब जैसे ही हमने इसे फ्लिप कर दिया, एक कपड़े की हेल्प से हमें इसके एजेस साफ कर लेने हैं, सो दैट कोई भी धूल मिट्टी इसके ऊपर ना रहे, जो हमें आगे तकलीफ दे सकती है। सो क्लोज से प्रॉपरली इस मिरर की बैक साइड स्पेसिफिकली बात करें तो एजेस क्लीन करने के बाद आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हार्डवेयर से आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में 12 वोल्ट की LED स्ट्रिप मिल जाएगी, और इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आप आपके मन पसंद कलर की LED स्ट्रिप लाइट खरीद सकते हो। यहाँ मैंने जो स्ट्रिप लाइट यूज की है वो है कूल व्हाइट कलर की, आप वार्म व्हाइट कलर की भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर लिया है, मिरर की एजेस नाप कर उसके अकॉर्डिंग मैंने LED स्ट्रिप लाइट को कट कर लिया है। ये भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, नथिंग फैंसी। तो मुझे अराउंड 1.5 मीटर की LED स्ट्रिप लाइट लग गई थी। आपके मिरर के हिसाब से आपको LED स्ट्रिप लाइट खरीदनी पड़ेगी। सिंस इट्स अ रेक्टेंगुलर मिरर, मैंने यहाँ पर 4 पीसेस में LED स्ट्रिप लाइट्स को प्रॉपरली कट कर लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने स्ट्रिप लाइट्स मिरर के बैक साइड रख दी है, एंड इट फील्स प्रीटी गुड। नेक्स्ट स्टेप में हमें LED स्ट्रिप लाइट के नीचे की टेप को पील ऑफ करना है। हर LED स्ट्रिप लाइट के नीचे टेप लगी हुई होती है, जिससे आप उस LED स्ट्रिप लाइट को किसी भी स्मूथ सरफेस पर आसानी से चिपका सकते हो। एक्स्ट्रा ग्लू या टेप लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उस टेप के कवर को पील करने के बाद हमें उसे मिरर के बैक साइड पर कुछ इस तरीके से स्टिक करते हुए जाना है। ये मेथड आपको बड़े ही केयरफुली करनी है, क्योंकि अगर आपने LED स्ट्रिप लाइट स्टिक कर दी और वो गलत हो गई, तो आप वापस उसे निकालोगे तो उसका जो स्टिकिंग एडहेसिव मटेरियल है वो खराब हो जाएगा, और सेकंड टाइम आपकी LED स्ट्रिप लाइट प्रॉपरली स्टिक नहीं होगी, फिर आपको यूज करना पड़ेगा टेप का। सो पहले बार ही आपको ये प्रॉपरली नाप के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही LED स्ट्रिप लाइट को मिरर के बैक साइड एज के ऊपर स्टिक कर देना है। इस प्रोसेस में आपको जितना टाइम लगता है उतना टाइम ले सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस प्रॉपर होनी चाहिए। इसका कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं है कि एज से कितना सेंटीमीटर अंदर होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए, आप आपके हिसाब से रख सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने LED स्ट्रिप लाइट को ज्यादा ही अंदर रख दी तो बाहर की तरफ लाइट प्रॉपर स्प्रेड नहीं कर पाएगी, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आधा सेंटीमीटर अंदर इस LED स्ट्रिप लाइट को लगा सकते हो। तो चारों एजेस के ऊपर ये LED स्ट्रिप लाइट लगा देने के बाद हमारे मिरर का बैक साइड कुछ इस तरीके से लग रहा है। अच्छा खासा क्लीन काम कर दिया है। आगे की स्टेप जाने से पहले एक बार हमें टेस्ट कर लेना है कि जो भी LED स्ट्रिप लाइट हमने यहाँ पर कट करके लगाई है वो सारी की सारी LED लाइट्स प्रॉपरली ग्लो हो रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज करके चारों साइड की LED स्ट्रिप लाइट टेस्ट कर लेता हूँ कि इसमें सारे के सारे LED चिपसेट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। ओके, ऑल द LED चिपसेट्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट स्टेप है सोल्डरिंग की। सोल्डर करने के लिए आपको कोई भी पतली वायर लेनी है, और यहाँ पर हमें टोटल 12 पॉइंट सोल्डर करने हैं। अगर आपको सोल्डरिंग नहीं आती तो आप किसी फ्रेंड से भी करवा सकते हो, थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स देख के आप सोल्डरिंग सीख सकते हो और घर पे ऐसे छोटे DIY प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सोल्डरिंग इज क्वाइट अ गुड स्किल, आपके बहुत काम आएगी। पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव हमें वायर सोल्डर करनी है। यहाँ पर पॉजिटिव के लिए मैं रेड वायर का यूज कर रहा हूँ और नेगेटिव के लिए मैं ब्राउन वायर का यूज कर रहा हूँ। आपने अगर वायरिंग के कनेक्शंस उल्टे सोल्डर कर दिए तो आपकी LED स्ट्रिप लाइट जलेगी नहीं, खराब तो नहीं होगी बट जलेगी नहीं, विच विल बी यूजलेस। हर LED स्ट्रिप लाइट के ऊपर +12 वोल्ट्स और नेगेटिव ये मार्क्ड रहता है, तो वो पॉइंट आपको देख कर ही इसे सोल्डर करना है। बेसिकली सोल्डरिंग हम इसलिए करते हैं कि जिस पॉइंट पर हमने LED स्ट्रिप लाइट कट की है वो पॉइंट्स आपस में सोल्डर करके जॉइंट करने हैं, तभी तो हम एक पॉइंट पर सप्लाई देने के बाद पूरी की पूरी LED स्ट्रिप लाइट जलेगी। सो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चारों की चारों स्ट्रिप लाइट्स को हमें आपस में कनेक्ट करने के लिए दो वायर्स का यूज करके सोल्डरिंग पॉइंट्स पर पॉजिटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव सोल्डर करके कनेक्ट कर दिए हैं।
अभी दोस्तों जिस हिसाब से मेरे बाथरूम का कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर की तरफ 230 वोल्ट्स एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हीं में से कनेक्शंस निकाल लूं और किसी एडाप्टर की हेल्प से मेरे एलईडी स्ट्रिप लाइट को पावर कर दूं, देन इट विल बी वेरी नाइस और मेरी वायरिंग की मैनेजमेंट भी बहुत ही सही रहेगी। तो यहाँ पर मैं एलईडी स्ट्रिप लाइट को पावर सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट 2 एम्प्स का पावर एडाप्टर यूज कर रहा हूं। इस एडाप्टर में इसकी मेल पिन लगी है और इसकी फीमेल पिन हमें एलईडी स्ट्रिप लाइट के ऊपर लगा देनी है। ये सारी चीज आप आपके बाथरूम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है तो सिंपली आप इस एडाप्टर को आपके सॉकेट में भी लगाकर आपके मिरर को पावर दे सकते हो। बट मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहा हूँ, मुझे वायरिंग कम से कम दिखानी है। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले इस एडाप्टर की जो फीमेल पिन है उसे मैं एलईडी स्ट्रिप लाइट के सेंटर पॉइंट पर जोड़ दूंगा, जो पॉइंट मेरे उस पावर सप्लाई सोर्स से बहुत ही पास रहेगा। तो यहाँ पर मैं फीमेल पिन एडाप्टर की एलईडी स्ट्रिप लाइट को सोल्डर कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस पावर एडाप्टर को खोल दिया है, इसका सर्किट ओपन कर लिया है। इसकी ये दो एसी इनपुट वायर्स भी मैं यहाँ से कट कर लूंगा। अब ये सर्किट ओपन है एंड इट्स क्वाइट डेंजरस क्योंकि ये एसी पावर सोर्स पर चलेगा, तो इसे पीछे की साइड डबल साइड टेप लगाकर मैं आगे चिपका दूंगा या फिर इसके साइज का हिट स्ट्रिंग भी यूज करके इसे कवर कर सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली डीआईवाई प्रोजेक्ट, तो आपको आपके हिसाब से दिमाग लगाकर जैसे भी करना होगा आप कर सकते हो, क्योंकि हर किसी का बाथरूम अलग है, हर किसी का पावर पॉइंट भी अलग है। अब मेरे ऊपर के लाइट बल्ब का जो सोर्स है उसे खोलकर मैंने उन दोनों बल्ब में से एक बल्ब की वायर को एक्सटेंड कर लिया है, उसे कट करके मैं उसी के दो पॉइंट्स को ये 12 वोल्ट एडाप्टर की दो वायर्स लगा के हीट स्विंग से उन्हें कवर कर दूंगा, सो दैट वो जो दो जॉइंट पॉइंट्स हैं वो ओपन भी ना रहे और 12 वोल्ट एडाप्टर को पावर सप्लाई भी मिल जाए। ये सब हो जाने के बाद मैंने इस सर्किट को दोनों बल्ब के सेंटर में प्लेस किया और इसके ऊपर इसका कवर लगा दिया। ये सेटअप हो जाने के बाद मैंने सिंपली मेरे मिरर को उठाया और दीवार के ऊपर लटका दिया और इसकी जो केबल थी वो इस एडाप्टर से कनेक्ट कर दी। एंड नाउ यू कैन सी कि बड़े ही आसानी से हमने एक नॉर्मल मिरर को कन्वर्ट कर दिया है एलईडी मिरर में और ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है आपके बाथरूम को। सिर्फ आप आपके मिरर में लाइट लगा दोगे उसी से आपके बाथरूम का जो अपग्रेडेशन है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। ये बिल्कुल भी फैंसी मिरर नहीं है, स्टिल इट एड्स सो मच ऑफ लग्जरी। सो आई होप आपको ये DIY एलईडी मिरर अपग्रेड वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इफ सो देन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।